नाज़रीन, आप सब रोमन रेंस को WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर तो जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये एक रिटायर्ड रग्बी प्लेयर भी हैं। ये एक्टर और WWE के मेगा सुपरस्टार दी रॉक के कजन हैं। जी हाँ, रोमन ने बहुत ही कम अरसे में अपनी मेहनत से शोहरत और कामयाबी हासिल की है और अब ये WWE के सबसे ज्यादा लंबे अरसे 551 दिनों तक WWE के यूनिवर्सल चैंपियन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE के सुपरस्टार रोमन रेंस के बारे में दिलचस्प हकायक बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर एक, नाज़रीन, रोमन रेंस के नाम से मशहूर ये रेसलर का असल नाम लेटी जोसेफ एनोई है। ये 25 मई 1958 को अमेरिका की एक रियासत फ्लोरिडा के शहर पेंसोकोला में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक रेसलर खानदान से है जिसका नाम डी सेमोन रेसलिंग डायनेस्टी है। उनके वालिद सीका और बड़ा भाई WWE के सुपरस्टार रह चुके हैं। रोमन का खानदान रेसलर्स की तारीख में सबसे मशहूर खानदान है। फैक्ट नंबर दो, रोमन ने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल लेवल की रग्बी भी खेलते रहे हैं। इनको गॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने सपोर्ट की वजह से स्कॉलरशिप मिली थी। इन्होंने 2004 से 2009 तक वहां फुटबॉल खेली और वो मैनोस्टा विकिंग्स और हैमिल्टन टाइगर कैट्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो 2009 में कुछ इंजरीज होने की वजह से फुटबॉल को खैराबाद कहकर यहाँ से चले गए। उनके मुताबिक वो उस वक्त ये सोचने लगे थे कि अब उनका करियर खत्म हो गया है और अब वो कुछ और करने के लायक नहीं रहे, लेकिन फिर उन्होंने रेसलर बनने का फैसला किया जो कि उनके लिए कामयाब साबित हुआ। फैक्ट नंबर तीन, नाज़रीन, 2010 से 2012 तक रोमन फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग लड़ते रहे हैं। यहाँ उनको छोटी बड़ी कामयाबियाँ हासिल होती रहीं और यहीं पर इनकी मुलाकात अपनी टीम के मेंबर्स सेट फ्रेकिन रोलिंस और डीन एम्ब्रोस से हुई और जब ही ये तीनों बेहतरीन दोस्त बन गए। साल 2012 में इन तीनों ने अपनी टीम द शील्ड के नाम से WWE में एंट्री मारी और उसके बाद आने वाले अगले 3 साल तक इन तीनों ने WWE के रॉ नेक्स्ट ब्रांड्स स्मैकडाउन में अपनी परफॉर्मेंस से खुद को मनवा लिया। इन तीनों ने मिलकर WWE के हर छोटे और बड़े एजाजात हासिल किए जिनमें WWE चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप शामिल हैं। रोमन ने बहुत से WWE स्टार्स को सिंगल मैचेस में भी शिकस्त दी है जिनमें अंडरटेकर, ट्रिपल एच, जॉन सिना और बिग शो के नाम शामिल हैं। फैक्ट नंबर चार, साल 2014 के बाद रोमन सिंगल खिलाड़ी बन गए और उन्होंने अपनी जीत के जुनून को कम नहीं होने दिया और उसको बरकरार रखते हुए कई फतूहात हासिल की। उन्होंने 2015 में होने वाली समर स्लैम में ऑटन केन और जॉन सिना को हरा दिया। जनवरी 2015 में उन्होंने रॉयल रंबल 2015 में कामयाबी हासिल की और इसके बाद रेसलर मानिया 31 में उनका सामना रेसलर्स 2 से हुआ जिनमें ब्रॉक लेसनर और रोलिंस शामिल थे और हैरानकुन तौर पर इन दोनों को ही एक साथ हरा दिया। 2015 से 18 तक रोमन रेंस चैंपियनशिप की दौड़ में लगे रहे जिसके दौरान उन्होंने ये एजाज कई बार हारा और कई बार जीता। रोमन के मुताबिक उनका सबसे बड़ा एजाज ये था जब उन्होंने रेसलिंग की तारीख में सबसे बड़े दी लेजेंड अंडरटेकर को 33 रेसलर मानिया में हराया था। इसके बाद उन्होंने दी ट्राइबल चीफ और द हेड ऑफ द टेबल का खिताब भी अपने नाम किया और अपने दोनों कजन्स जिमी एंड जे के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बना ली जो आज 551 दिन हो जाने के बाद भी कायम है। फैक्ट नंबर पाँच, नाज़रीन, अपने लंबे करियर के दौरान रोमन रेंस के बहुत सी WWE की फीमेल सुपरस्टार्स के साथ, खास तौर पर पेजी और निकी बेला के साथ अफेयर्स
बहुत ही खबरों की जीनत बने रहे। लेकिन 2014 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जेलिना के साथ शादी कर ली। उनकी उस शादी से 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 जोड़े जुड़वा बच्चों के भी हैं। उनका ताल्लुक प्रोफेशनल रेसलिंग फैमिली से भी है। इनके बाप और भाई के अलावा उनके कई कजन्स भी रेसलिंग से वाबस्ता हैं। और माजी में भी WWE के बड़े स्टार्स भी इस खानदान से ही थे, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर दी रॉक, रिकिशी, ओमेगा, दी चोंगा किड और यूकोजोना शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन, रोमन रेसलिंग की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं। साल 2014 में होने वाली रॉयल रंबल के दौरान उन्होंने 14 मुखालिफ खिलाड़ियों को उठाकर बाहर फेंका, जो कि आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा उनका सिंगल और डबल दोनों ही मैच जीतने का रिकॉर्ड भी है। आपको हैरानी ये जानकर होगी कि रोमन का बेहतरीन रिकॉर्ड अपनी ही टीम द शील्ड के खिलाफ ही है। जी हाँ, बिल्कुल, वो आज तक एक भी मैच सेट रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस से नहीं हारे हैं। और वो रेसलिंग की दुनिया के सबसे कम उम्र सितारे हैं जिनको रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी के WWE स्लैमी अवार्ड भी मिल चुका है। रेसलिंग में उनके जीतने की शरह 75% है। वो कभी भी पेपर व्यू मैच नहीं हारे। उनकी एक और कामयाबी ये भी है कि रेसलिंग के अपने सबसे पहले मैच में रिकॉर्ड शोहरत और कामयाबी हासिल की। ये मैच द शील्ड का रेबैक केन और डैनियल के साथ था, जिसकी 4.5 रेटिंग थी, जो कि रेसलिंग की दुनिया में बहुत ही जबरदस्त समझी जाती है। उनका पसंदीदा रेसलर ब्रेट हार्ट है और उनका फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन है। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन, अपने करियर के पहले ही साल रोमन रेंस को WWE फैंस की तरफ से होटिंग और बोइंग का सामना करना पड़ा। वजह ये थी कि उनका ताल्लुक रेसलिंग के एक बड़े खानदान से था। उनको हमेशा ही ये कहा जाता था कि उनका रेसलिंग में होना सिर्फ उनके ताकतवर और मशहूर खानदान की वजह से है, मगर रोमन ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी शोहरत और कामयाबी को हासिल किया। फैक्ट नंबर 8, अक्टूबर 2018 को रोमन ने ये हैरानकुन बात दुनिया को बताई थी कि उनको कैंसर है। उनको ये कैंसर 10 साल पहले हुआ था, मगर बार बार इलाज करवाने से वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। मगर साल 2018 में ये बीमारी वापस आ गई और उनको इलाज करवाने के लिए रेसलिंग को खैराबाद कहना पड़ा। मगर उन्होंने एक बार फिर इसको शिकस्त देकर वापसी की और वो आज भी दुनिया के मशहूर रेसलर माने जाते हैं। इसके अलावा रोमन पहले भी एक अच्छी बॉडी के मालिक थे, लेकिन पिछले चंद सालों में उन्होंने अपने बाजुओं और चेस्ट में काम करके उनको और भी मजबूत किया है। आज उनका वजन 280 पाउंड्स है, जबकि उनकी हाइट 6'3" है और उनका बाइसेप्स 22 इंचेस का है। रोमन हॉकी की जिंदगी में ट्रिपल एच के बेहतरीन दोस्त हैं। ट्रिपल एच ने इनको ये मकाम तक ले जाने में बहुत मदद की है। उनका ड्रीम मैच है कि ये रेस्ट मानिया में अपने ही कजन दी रॉक का मुकाबला करें। जी नाज़रीन, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? आज की वीडियो से इतना ही। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूंगी। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।